Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we had completed our grammar portion. Do you remember that? हमने last lecture में हमारा grammar का portion complete कर लिया था. So, from today onwards, we are going to do revision. Now, first of all, revision करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने chapters हैं और कौन से हैं. So, आपके 13 चैप्टर है फ्रॉम 11 टू 22. गॉट इट? सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, आपको चैप्टर्स के नाम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर है आपके सेमेस्टर में. ओके, सो एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं आपने कौन से चैप्टर में क्या क्या किया. ओके, चैप्टर नंबर 11, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमको प्रेजेंट की बात कहते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है हाल ही में. ओके, देन सिंपल पास्ट टेंस जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो अभी हमने स्टार्ट किया पर कब तक चलेगा नहीं पता है. ओके, पास्ट मतलब चालू किया था और कंटिन्यूसली ख़त्म भी हो गया. राइट, कंटिन्यूस टेंस पे. प्रेजेंट टेंस मतलब हमने चालू किया है, कब तक चलेगा, अभी चालू किया पर कब तक चलेगा पता नहीं. और पास्ट टेंस में हमने चालू कर दिया पर कब ख़त्म होगा वो पता नहीं है. ओके, देन सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है. देन एडवर्ब्स दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब, जो हमको वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. प्रीपोजिशन, जिसमें पोजिशन दिखाता है, पोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन दिखाता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिखाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दिखाता है. गॉट इट? फिर कंजक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड, दो सेंटेंस को जॉइन कैसे करते हैं, कौन सा वर्ड यूज होता है वो देते हैं. पंक्चुएशन, कौन से जगह कैपिटल लेटर करते हैं, कहाँ फुल स्टॉप रखते हैं, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमको सिखाता है. देन सेंटेंसेस, हाउ टू राइट सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, इसमें दिखाता है. अपोस्ट्रॉफी, आप अपोस्ट्रॉफी एस और अपोस्ट्रॉफी का कहाँ यूज़ करते वो दिखाता है. देन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते वो दिखाता है. देन कॉम्प्रिहेंशन, आई टोल्ड यू कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्पोजिशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपको एक पैराग्राफ या तो स्टोरी या तो पोएम दिया गया था और उसके ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, पहले आपको रीड करना होता है और फिर क्वेश्चन को आंसर करना होता है. फिर कंपोजिशन, मैंने आपको बताया था कि ग्रामर के दो पार्ट होते हैं, एक रूल वाला पार्ट और एक रिटन वाला पार्ट. आप जो रूल सीखते हो वो आप इधर कंपोजिशन में इम्प्लीमेंट करते हो. गॉट इट? कंपोजिशन में क्या क्या आता है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब आता है. गॉट इट? मैंने आपको दो लेटर भी करवाया था, आपको याद है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसमें से हमने इनफॉर्मल लेटर किया था. गॉट इट? ओके, सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिविजन. ओके, सो पहले स्टूडेंट्स हम 14 और 15 चैप्टर करेंगे, बिकॉज आज उसका टेस्ट है ना आपको, इसलिए हम 14 और 15 चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 14, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है. नेहा इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर बर्थडे नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर में करने वाली है, प्लान कर रही है. हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग शी हैज़ इन माइंड. उसने कुछ लिस्ट बनाई है. लेट अस सी क्या क्या बनाया. आप भी बनाते हो ना, आपका बर्थडे होता है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है. सो उसने क्या, I will wear a red dress. मैं रेड ड्रेस पहनूंगी. फ्यूचर से जब will आता है ना तब याद रखना फ्यूचर टेंस ही है. गॉट इट? माई फादर विल डेकोरेट द हाउस विद बलून. माई फादर विल डेकोरेट द हाउस, मेरे पापा पूरा घर को डेकोरेट करेंगे बलून से. माई फ्रेंड विल कम फॉर पार्टी, मेरे फ्रेंड्स पार्टी के लिए आएंगे. मॉम विल बेक अ लवली केक. मॉम
एक लवली केक बनाएगी। आई विल कट द केक, मैं कट केक कट करूँगी। ऑल ऑफ अस विल डांस, हम सब डांस करेंगे। आई विल हैव अ ग्रेट बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी बहुत ग्रेट होगी। सो सी, आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें फ्यूचर की बात किया है। कैसे पता चला? विल से। जब भी हम विल लिखते हैं फॉर फ्यूचर टेंस, वी यूज़ ऑलवेज विल। प्रेजेंट टेंस में ईजेमार यूज़ होता है, पास्ट टेंस में वॉज वर यूज़ होता है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है। ओके, रिमेंबर दिस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईजेमार, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर, और सिंपल फ्यूचर टेंस में ओनली विल। ओके, रिमेंबर दिस। सो जब हम विल लगाते हैं, दैट मीन्स इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर टेंस। व्हेन वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब विल, तब दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर टेंस। गॉट इट? द वर्ड विल वियर, विल डेकोरेट, विल कम, विल बेक, विल कट, विल डांस, विल हैव आर टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। आई टोल्ड यू ना, विल से यूज हो रहा है विल वियर, मैं पहनूंगी, विल डेकोरेट, मैं डेकोरेट करूंगी, विल कम, मैं आऊंगी, विल बेक, राइट? सो ये फ्यूचर में होने वाला है। देन अ वर्ब दैट स्पीक अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर इज सेड टू बी सिंपल फ्यूचर टेंस। जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड बाय विल प्लस वर्ब। विल और वर्ब के साथ फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, She will do her homework in evening. Will plus verb. Do verb भी है। The simple future tense also tell us action that we think happen in future, जो future में होने वाला है। If you run fast, you will win the medal. अगर तुम जल्दी दौड़ोगे तो तुमको medal मिलेगा। Got it? समझ में आ गया simple future tense किसको कहते हैं? जो future में future की बात करता है। Always वो follow किससे होता है? Will plus verb. Now अभी आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करो। रमेश कम बैक फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग। वर्ब क्या है? कम्स। वर्ब के आगे क्या आएगा? विल। विल प्लस वर्ब इसका फॉर्मूला है। सो वर्ब के पहले विल आएगा, तो इधर रमेश विल कम बैक फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग। गॉट इट? द प्लान विल, द प्लान लीव एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। प्लान विल लीव, फ्यूचर टेंस बनाना है ना, उसीलिए। नंबर 3, वी गो टू अ डॉक्टर व्हेन वी फॉल हिल। वी विल गो, विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब। नंबर 4, मलिका अटेंड्स कथक क्लास। विल प्लस वर्ब। नंबर 5, पापा कुक्स लंच ऑन संडे। पापा प्लस कुक। मीन्स विल प्लस वर्ब। जया गोज टू आगरा एवरी मंथ। जया विल गो, गोस का फ्यूचर टेंस गो हो जाएगा। ओके, विल प्लस वर्ब। नंबर 7, एलेक्स टेक द कार टू गैरेज ड्यूरिंग द वीकेंड। एलेक्स विल टेक, विल प्लस वर्ब। माहिरा स्विम अर्ली इन द मॉर्निंग। माहिरा विल स्विम, विल प्लस स्विम। गॉट इट? सो हमने सिर्फ सिंपली विल ऐड किया, वो भी कैसे ऐड किया? पहले हमने वर्ब ढूंढा। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कम था, सेकंड में लीव, थर्ड में गो, अटेंड, कुक्स, फिर उसके पहले हमने विल ऐड कर दिया, तो क्या कैसा सेंटेंस बन गया? सिंपल फ्यूचर टेंस। गॉट इट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी। कंप्लीट द सेंटेंस इन द सिंपल future tense with the words given in the box. One has been done for you.
ओके द काइट विल फ्लाई, काइट क्या करेगी फ्लाई. द बॉयज विल प्ले इन द विल प्ले. इट इज सो क्लाउडी, इट विल रेन, बहुत क्लाउडी है, रेन आने वाला है. द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म इन द म्यूजिक शो, वो परफॉर्म करेंगे म्यूजिक शो में. वी विल वॉच अवर फेवरेट कार्टून, हम हमारी फेवरेट कार्टून देखेंगे. नंबर सिक्स द बॉय इज रनिंग टू फास्ट, ही विल फॉल डाउन, विल फॉल, विल वॉच, विल परफॉर्म, विल रेन, विल प्ले, विल फ्लाई. ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया और इसमें फॉर्मूला भी आ गया, विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब. गॉट इट. देन सी बच्चों, आपका जो शेल है ना उस सिलेबस से ही निकल गया है, सो आप शेल मत लर्न करना ओके, क्योंकि वो सिलेबस में से ही निकल गया है. आपकी ओल्ड बुक है उसीलिए इसमें दिया है, वरना सिंपल फ्यूचर टेंस में ओनली हम विल का यूज़ करते हैं, शेल का अब यूज़ नहीं करते ओके. सबको ये पोर्शन नहीं करना है. नाउ चैप्टर नंबर 15 एडवर्ब्स, लुक एंड रीड. डैनी स्लोली रोड हिज बाइक टू स्कूल, डैनी धीरे धीरे बाइक चला रही है. शी वॉक क्वाइटली इन टू द रूम, वो चुपचाप रूम में चली गए. दे हैप्पीली पोज फॉर अ पिक्चर, वो हैप्पीली पोज दिया पिक्चर के लिए. द गर्ल चीयर्ड लाउडली फॉर देयर फ्रेंड्स. नाउ हियर पहले वर्ब ढूंढो आप, एडवर्ब है मतलब एड प्लस वर्ब, दैट मीन्स ये वर्ब में कुछ ज़्यादा डाल रहा है, राइट वी कैन से ना कुछ वर्ब में ऐड कर रहा है वर्ब के पहले. सो पहले आप वर्ब ढूंढो. डैनी रोड, रोड वर्ब है. शी वॉक क्वाइटली, वॉकड ओके वो वर्ब है. दे हैप्पीली पोज्ड फॉर अ पिक्चर, पोज्ड वो एक वर्ब है. द गर्ल्स चीयर्ड, चीयर्ड एक वर्ब है. नाउ अभी इसमें आप क्वेश्चन पूछो, रोड तो कैसे स्लोली, वॉक तो कैसे क्वाइटली, हाउ पूछो तो आपको आंसर मिल जाएगा, पोज तो कैसे हैप्पीली, चीयर तो कैसे लाउडली. समझ में आ गया. सो ये जो वर्ड है जो हम पूछ रहे हैं पहले वर्ब ढूंढ कर फिर आप पूछो कैसे, तब आपको एडवर्ब मिल जाएगा. गॉट इट. सो ये स्लोली क्वाइटली हैप्पीली लाउडली ये जो है क्या है, एडवर्ब. एंड जनरली एडवर्ब परफॉर्म बाय एडिंग ly एट द एंड ऑफ द वर्ड. गॉट इट. सो द वर्ड स्लोली क्वाइटली हैप्पीली एंड लाउडली डिस्क्राइब द वर्ब रोड. आई टोल्ड यू ना रोड के वर्ब के बारे में बता रहे हैं, रोड मूड पोस्ट एंड चीयर दे आर कॉल्ड एडवर्ब, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. गॉट इट. फिर एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. इट मे ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट एन एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये हमें एग्जेक्टिव और वर्ब के बारे में भी बताता है ओके. एग्जेक्टिव के बारे में भी बताता है थोड़ा बहुत ओके. सो एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब आर यूजली बेस्ड ऑन सम वर्ड, एडवर्ब्स आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम एग्जेक्टिव्स. हाँ एडवर्ब्स तो एग्जेक्टिव से बनते हैं ना. रीड दिस स्पेलिंग रूल्स एंड चेंज द एग्जेक्टिव ओके. सो हमें चेंज द एग्जेक्टिव दैट एंड्स विद कॉन्सोनेंट वाई इन टू एन वर्ब, जो कॉन्सोनेंट वाई से एंड होता है उसे आप चेंज करो. ड्रॉप वाई एंड एड आई एल वाई, जो वर्ड लास्ट में जिस वर्ड के पीछे वाई हो वो वाई को ड्रॉप करके एल आई एल वाई ऐड कर दो. फॉर एग्जाम्पल एच डबल पी और हैप्पी, एच डबल पी आई एल वाई हैप्पीली, वाई ड्रॉप कर दिया. एल यू सी के वाई लकी, एल यू सी के आई एल वाई लकीली, वाई ड्रॉप कर दिया. ए एन जी आर वाई एंग्री, ए एन जी आर आई एल वाई एंग्रीली, वाई ड्रॉप कर दो. ई एस वाई ईजी, ई एस आई एल वाई ईजीली, वाई ड्रॉप कर दो. गॉट इट. देन टू चेंज एन एग्जेक्टिव दैट एंड्स इन फुल,
इंटू एन एडवर्ब एट एल वाई, सिर्फ एल वाई एड कर दो जिसमें एफ यू डबल एल फुल एंड फुल से एंड होता है. ब्यूटी बी ई आई यू टी आई एफ यू एल ब्यूटी फुल बी ई आई यू टी आई एफ यू डबल एल वाई ब्यूटी फुली सी ए आर ई एफ यू एल केयरफुल सी ए आर ई एफ यू डबल एल वाई केयरफुली पी ई ए एस सी ई पीसफुल पी ई एस सी ई एफ यू डबल एल वाई पीसफुली एच ओ पी ई एफ यू एल होपफुल एच ओ पी ई एफ यू डबल एल वाई होपफुली गॉट इट. देन अभी तक एक्सरसाइज किया, लेट अस डू एक्सरसाइज. नंबर वन, सॉफ्ट सॉफ्टली, ब्राइट ब्राइटली, स्मार्ट स्मार्टली, बोल्ड बोल्डली, ग्लैड ग्लैडली, सैड सैडली, बैड बैडली, नीट नीटली, क्विक क्विकली, ब्रेव ब्रेवली, साइलेंट साइलेंटली, क्लेवर क्लेवरली. सो बच्चों, एडवर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब में कुछ ज़्यादा ऐड करते हैं, मतलब वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ओके, देन और अभी टाइप्स ऑफ एडवर्ब. थ्री टाइप ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. और इसमें आपको सिर्फ तीन चीज पूछना है, हाउ. सो हमें क्या क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा, और वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा. लेट अस सी दिस. सम एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज डन, कैसे एक्शन हुआ है, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. ओके, हाउ डिड डैनी राइट हिज बैग, आपने देखा ना पहले, स्लोली, कैसे बाइक चला रहा है, स्लोली. हाउ डिड शी वॉक इन टू द रूम, कैसे रूम में गई, क्वाइटली. हाउ डिड दे पोज फॉर अ पिक्चर, पिक्चर के लिए कैसे पोज दिया, हैप्पीली. हाउ डिड द गर्ल चीयर फॉर देयर फ्रेंड, कैसे चीयर किया, लाउडली. गॉट इट. सो इसमें हमने हाउ पूछा, दैट मीन्स इट शोज द मैनर, कैसे, तो लाउडली, हैप्पीली, क्वाइटली, स्लोली. नाउ नंबर टू, व्हेन मतलब ये टाइम दिखाता है. सम एडवर्ब्स सच एज सून, टुडे, टुमारो, वंस, नाउ एंड देन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन एन एक्शन इज डन, कब एक्शन हुआ है. ओके, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाता है आपको. फॉर एग्जाम्पल, वी विल सून, जल्दी, टाइम दिखाया. आई विल रिसीव द कार्ड टुडे, टाइम दिखाया. लेट अस मीट टुमारो, टाइम दिखाया. सो दिस मीन्स इट ऑल्सो सर्च द टाइम. जब आप व्हेन पूछते हैं कब, तो सून, कब आज, कब कल. सो ये क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाता है. ओके, देन नंबर थ्री, सम एडवर्ब सच एज हियर, देन, नियर, डाउन, अप, इन, ऑन, एवरीवेयर, ये क्या दिखाता है, व्हेन मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाता है. पीपल कम हियर, कहाँ आए, हियर. शी वेंट इनसाइड, कहाँ गई, इनसाइड. आई लुक्ड एवरीवेयर, कहाँ देखा, एवरीवेयर. सो ये इसमें क्या दिखाया हमको, प्लेस दिखाया, यर, यहाँ, इनसाइड, अंदर, एवरीवेयर, सब जगह प्लेस दिखाया. सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. गॉट इट. जब आप हाउ पूछते हो क्वेश्चन, तब वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. जब आप व्हेन पूछते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. और जब आप वेयर पूछते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. गॉट इट. सो सम एडवर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन टेक प्लेस. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर बी, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एडवर्ब. एडवर्ब फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड वर्ब दे टेल अस अबाउट. और वर्ब फाइंड करना है, फिर राइट डाउन इन द ब्लैंक्स. पहले वर्ब लिखो और फिर एडवर्ब लिखो. ओके, नंबर वन, द ऑडिशन, द ऑडियंस क्लैप्ड हार्टिली आफ्टर द परफॉर्मेंस. क्लैप्ड क्या है, वर्ब है, और हार्टिली एडवर्ब. शी लव्स हर सिस्टर डियरली, लव्स है वो वर्ब है, डियरली और एडवर्ब है. Benny walk up and stretch lazily. Walk up वो verb है, stretch भी verb है, और lazily वो adverb है. I ate quickly as I was in hungry. Ate verb है और adverb quickly है. The children talked noisily as the teacher was not in class. Talked verb है और adverb noisily.
क्वेश्चन नंबर 6, कैटरपिलर क्राउल्ड साइलेंटली ऑन द फ्लोर। क्राउल्ड वर्ब है और साइलेंटली एडवर्ब है। ताहिर जॉक्स एवरी रेगुलरली इन द पार्क। जॉक्स वर्ब है और रेगुलरली एडवर्ब है। द अलार्म क्लॉक रैंग लाउडली। रैंग है वो वर्ब है और एडवर्ब है और लाउडली है। अमित सेंग मेलोडियसली इन द कॉन्सर्ट। वर्ब सेंग वर्ब है और एडवर्ब मेलोडियसली है। मदर वेटेड पेशेंटली एट द बस स्टॉप। वेटेड और वर्ब है और एडवर्ब है और पेशेंट है, पेशेंस है, पेशेंटली। शी स्पोक सॉफ्टली। वर्ब सॉफ्टली स्पोक है और एडवर्ब सॉफ्टली। द सन रेज ब्राइटली। वर्ब शाइन है और एडवर्ब ब्राइटली। व्हाट इट मतलब हमें इसमें कैसे बताया? सन शाइन तो कैसे? ब्राइटली। स्पोक कैसे? सॉफ्टली। वेट कैसे? पेशेंटली। सेंग कैसे? मेलोडियसली। रैंग कैसे? लाउडली। जॉक कैसे? रेगुलरली। क्राउल कैसे? साइलेंटली। टॉक कैसे? नॉइजीली। एट कैसे? क्विकली। वॉकअप कैसे? लेजीली। लव कैसे? डियरली। क्लैप कैसे? हार्टीली। सो इसमें हमको एडवर्ब दिखाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर डी। डू यू ऑफन रीच होम लेट? ऑफन। क्लोज योर डोर व्हेन यू गो आउट। नंबर 3, आई वॉन्ट वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। ही इज रीडिंग अ बुक। वंस दे लीव अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस इन अ कैस्टल। गो अप द स्टेयर्स टू योर रूम। फिनिश योर होमवर्क ट्वाइस। गॉट इट? सो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आपको टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।